हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पहले से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आपका पढ़ाई भी, जिस पढ़ाई के लिए आप लिए हुए थे वो अगर आपका पढ़ाई भी खत्म हो गया है, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है उसे कैसे करेंगे, उसे कैसे देखेंगे कि हमें कितने इंस्टॉलमेंट में जितना हमने पैसा लिया है उसको भरना है, या उसका पूरा डिटेल्स आप वहां पे देख सकते हैं वो कैसे देखेंगे। एक्चुअली मैंने भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या परेशानियां हुई, कैसे हमने किया, कैसे अप्लाई किया, कैसे पैसे आए। अब हमारा क्या है कि पढ़ाई खत्म हो चुका है, तो अब हमें जो है पैसे रिटर्न करने हैं, तो हम अपने आईडी से ही लॉगिन करके आपको सारा चीज दिखाएंगे कि कितने पैसे मुझे रिटर्न करने हैं पर मंथ में, हर एक मंथ में कितने पैसे मुझे रिटर्न करने हैं और किस मंथ से मेरा ये पैसा रिटर्न करने वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में, हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि कहां पे जाकर के आप इसको देख सकते हैं कि कब से मेरा पेमेंट रिटर्न करने का टाइम है और कितना रुपया हर मंथ में हमें जमा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा MNSSBY, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए जो पहला ये आपका दिख रहा है MNSSBY, उसको आपको क्लिक करके ओपन करना है, ठीक है। जस्ट ये ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल। ये आपको आपका जहां पे डिटेल्स पूरा पड़ा हुआ है वहां पे ये आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन का डिटेल्स मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो देखिए यूजर नेम और पासवर्ड आपने पहले भी इसमें यूज किया होगा, लेकिन मैं जनरली जो यूजर नेम और पासवर्ड बनता है वो आपका ईमेल आईडी जो आपने उसमें दिया है और पासवर्ड आपका खुद से सेट हुआ हुआ रहता है। तो इसके लिए हम अपना यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देते हैं, हमें याद है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पे जस्ट हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स दिख रहा है, नाम, फादर नेम, मेरा एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो हमने पेमेंट लिया है वो हमें जो है कब से वापस करना है और कितना कितना रुपया पर मंथ में हमें देना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये आपका अकाउंट समरी है कि आपने कितना लोन लिया था, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, और रीपेमेंट मतलब कितने मंथ में आपको इसको जमा कर देना है पूरे पैसे को, ये यहाँ पे दिखा दिया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सैंक्शन लेटर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, एग्रीमेंट लेटर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक लोन स्टेटस अगर आपका अभी नहीं हो पाया है तो वो भी देख सकते हैं, या अगर हो गया है तो किस किस प्रोसेस से ये आपका लोन अप्रूवल हुआ है, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये सारा पेमेंट का डिटेल्स देख सकते हैं कि किस अकाउंट में गया है, किस डेट को गया है, ये सारा आप और कितना रुपया गया है, ये सारा आपको यहाँ पे यूटीआर नंबर के साथ यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रीपेमेंट स्टेटस। रीपेमेंट स्टेटस आपके काम का चीज है जो जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लोन का अकाउंट नंबर भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ड्यू डेट भी दिखा रहा है कि कब से आपका ये स्टार्ट होगा पहला जो है। यहाँ पे अगर इस डेट को आपने जमा कर दिया तो उसके बाद वाला डेट यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप पे भी कर सकते हैं, 3000 रुपया यहाँ पे रुपया डाल करके, और यहाँ पे पे क्लिक करके आप पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए आपको दिखा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लिया है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया, और पर मंथ में आपको किसका इंस्टॉलमेंट में जमा करना है, तो 3440 रुपया हमें 1 जून 2021 को जमा करना है, ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंट में से माइनस हो गया। फिर आपको अगले महीने में 3440 रुपया देना है, और वो देना है 1 जुलाई 2021 को, मतलब प्रत्येक महीना में एक एक तारीख को मुझे ये पेमेंट को पूरा करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, आप यहाँ पे रो को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको कितने दिन में इसको पूरा का पूरा फाइनल कर देना है, ठीक है। तो कब तक लगेगा ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और आप यहीं से ऊपर से जस्ट यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो पहला तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में ही देख सकते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट। अगर आपका फाइनल हो गया है उसके बाद ही ये देखें, क्योंकि फाइनल होने के 1 साल बाद से आपका जो है ये स्टार्ट होता है पेमेंट रिटर्न करने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में जाने
सीखें और देखें भी। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि अब मुझे पेमेंट देना रिटर्न करना भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जून 2021 से ये पेमेंट रिटर्न भी करना है, तो मुझे परेशानी हुई थी कि मैं कैसे देखूं कैसे फाइंड करूं। तो ऐसे मैं पोर्टल पे देखते देखते मुझे ये मिला, ऑप्शन मिला दिखा, तो मैं सोचा कि ये आपको एक साथ भी शेयर कर दूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस टाइप से वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हेल्पफुल वीडियो हमें मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे जैसे और आप आपके जैसे जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अपना पढ़ाई कर रहे हैं और उनका पढ़ाई पूरा हो गया है या उनका पढ़ाई पूरा होने वाला है, तो वो भी इस वीडियो को देख करके और इस प्रोसेस को जान लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।